हेलो दोस्तों, स्वागत है 4 जून के डेली करंट अफेयर्स पर। और आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए किसने दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची को चुना है? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट ने, या केंद्र सरकार ने, या फिर नीति आयोग ने। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला विशाल सार्वजनिक आयोजन होगा, यानी कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी की गई भारत की सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? इसका है पहला ऑप्शन HDFC ग्रुप, या फिर TCS, या फिर ITC, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में जारी की गई भारत की सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर रही है, यानी कि सेंसेक्स में टॉप में रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 1 में है। उसके बाद है TCS कंपनी, फिर HDFC ग्रुप, फिर HUL और फिर उसके बाद होगा ITC। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश की सरकार ने वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देना अनिवार्य कर दिया है? यानी कि कौन सी ऐसी देश की सरकार है जो अगर आप वीजा बनाने जा रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया का अकाउंट भी जरूरी है और फिर आपका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड भी देना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन है जापान सरकार, या फिर चीन सरकार, या फिर ऑस्ट्रेलिया सरकार, या फिर अमेरिकी सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिकी सरकार। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में वीजा नियमों पर बदलाव करते हुए वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के मुताबिक वीजा के लिए पुराने पासपोर्ट का नंबर और ब्यौरा भी देना होगा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, इनमें से किसने हाल ही में इंडियन एयर स्पेस में लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, यानी कि जो प्रतिबंध लगा था उसे खत्म कर दिया गया है? पहला है सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर हाई कोर्ट ने, या फिर केंद्र सरकार ने, या फिर खेल मंत्रालय ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में इंडियन एयर स्पेस में लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक जेस्चर की शुरुआत है, ताकि पाकिस्तान भी अपने एयर स्पेस को पहले की तरह उड़ानों के लिए खोल सके। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के चिकित्सकीय जांच की आदेश पर रोक लगा दी है? पहला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, या फिर दूसरा है पंजाब हाई कोर्ट, या तीसरा है दिल्ली हाई कोर्ट, या चौथा है केरल हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चिकित्सीय जाँच के आदेश पर रोक लगा दी है। उसके बाद छठा नंबर सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2020 तक खाली जगह पर उपकरण भेजने के लिए 3 कंपनियों को चुना है, यानी कि 2020 तक शनि ग्रह, या फिर शुक्र ग्रह, या फिर चांद, या फिर वरुण ग्रह पर उपकरण भेजेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चांद। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2020 तक चांद में उपकरण भेजने के लिए 3 कंपनियों, यानी कि एस्ट्रोबोटिक, इंट्यूटिव मशीन्स और ऑर्बिट बियोड को चुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चांद पर लोगों को भेजने के लिए कार्यक्रम में बदलाव करते हुए उसे 4 साल बाद 2024 को तय किया है,
यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वर्ष 2024 में चांद पर लोगों को भेजा जा सकता है। उसके बाद सातवां नंबर सवाल है, लिवरपूल ने टोटेनहम हॉटस्पार को हराकर 14 वर्ष बाद कौन सी बार चैंपियन लीग का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है दूसरी बार, या फिर तीसरी बार, या फिर पांचवी बार, या फिर छठी बार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छठी बार। चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में लिवरपूल ने टोटेनहम को हराकर 14 वर्ष बाद छठी बार चैंपियन लीग का खिताब जीता है। लिवरपूल ने इससे पहले 2005 में इटली के क्लब मिलन को हराकर चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। उसके बाद आठवां नंबर सवाल है, निम्न में से किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने देश के 6 प्रमुख शहरों में 5G सेवा शुरू कर दी है? यानी कि दोस्तों 5G सेवा चालू हो चुकी है, तो उनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो 6 शहरों में 5G सेवा शुरू कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर, या फिर संघाई टेलीकॉम ऑपरेटर, या फिर अमेरिका टेलीकॉम ऑपरेटर, या फिर चौथा है रिलायंस जियो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर। ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में लंदन सहित 6 प्रमुख शहरों में 5G सेवा शुरू की है। कुछ उपयोगकर्ता अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार नेटवर्क की उच्च गति कनेक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में हर कोई 5G सेवा का लुत्फ उठा सकता है। उसके बाद नौवां नंबर सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की कैबिनेट में पहली बार 50% महिलाएं शामिल की है? पहला है भारत, या फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, या तीसरा है दक्षिण अमेरिका, या चौथा है श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की कैबिनेट में पहली बार 50% महिलाएं शामिल की है। उन्होंने हाल ही में नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इन 50% महिलाओं में से एक महिला विपक्षी पार्टी का भी है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। उसके बाद दसवां नंबर सवाल है, महिंदा देशप्रिय ने श्रीलंका में किस पद के लिए 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच चुनाव की घोषणा की है? यानी कि किस पद के लिए 15 से 7 दिसंबर तक चुनाव होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के लिए, या फिर निगम परिषद अध्यक्ष के लिए, या फिर राष्ट्रपति के लिए, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के लिए। श्रीलंका के चुनाव आयोग प्रमुख महिंदा देशप्रिय ने हाल ही में देश में राष्ट्रपति पद के लिए 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच चुनाव की घोषणा की है। उसके बाद लास्ट सवाल है, अमेरिका और किस देश के बीच अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुआ है? पहला ऑप्शन है जापान, या दूसरा है भारत, या तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, या चौथा है चीन। इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। अमेरिका और भारत के बीच अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ाने के लिए दो प्रमुख क्षेत्र रक्षा सहयोग और शांति कोमकासा पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसकी कल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के हिंद प्रशांत रणनीति में की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और जॉब न्यूज के लिए हमारे gyan4u चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक बटन दबा देना।